नमस्कार। आज मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक का एनालिसिस करूंगा और देखूंगा क्या बेस्ट सपोर्ट लेवल है बाइंग करने का और क्या बेस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है या टारगेट प्राइस क्या हो सकती है और पोटेंशियल रिस्क कितना हो सकता है इसमें। दोस्तों, इन सारी चीजों का स्टडी करूंगा और वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, तो हम देखते हैं। चलिए, तो बहुत ही सिंपल मैं एनालिसिस करता हूँ दोस्तों, बहुत ताम झाम नहीं, केवल सिंपल एनालिसिस से आपको समझ में आ जाएगी कि एनालिसिस कितनी सिंपल होती है शेयर मार्केट में। तो हमारे दृश्य से जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दो बेस्ट बाइंग लेवल आते हैं। पहला बाइंग लेवल आता है 147.6 रुपीज की और दूसरा आता है 137 रुपीज का। ठीक है, ये दो बेस्ट लेवल आते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है बाई करने की, करंट लेवल 152 पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं 25% का परचेज करना पसंद करूंगा और 147 के स्तर पे अगर मिलेगा तो 25% परचेज करने की कोशिश करूंगा। इस तरह हमारे 50% पैसे इसमें लग गए, रिमेनिंग 50% का क्या करूंगा मैं। तो अगर 137 का स्तर मिलता है तो मैं यहाँ पूरा 25% इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा और 25 जो रिमेनिंग बच गया इसमें दोस्तों, उसका इसमें वीकली SIP करूंगा कि हर वीक में जो है फ्राइडे को जो है 1% पैसा इसमें डाल दूंगा रिमेनिंग 25% का। तो इस तरह से मैंने क्या बताया, 25 25 50 50। देखिए 25 कहाँ कहाँ, 152 पे, 25 वहाँ 147.6 पे 25% यानी 50, और 50 प्लस 25% 137 के स्तर पे यानी 75%, और रिमेनिंग 25% का SIP करने के लिए बोला हूँ 1% वीकली मान के। ओके, और लाइन ऑफ कंट्रोल हम मान के चलेंगे हमारा 128 रुपीज का, यानी कि 128 रुपीज के अगर नीचे स्टॉक साप्ताहिक क्लोजिंग दे देता है सैटरडे या संडे को, तो हम मंडे को अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे, पूरी तरह एग्जिट कर देंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा है और लॉस कितना बन रहा है। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो चलिए इस स्ट्रेटेजी को अगर दे के चलते हैं तो टारगेट क्या आ सकते हैं, अचीव हो सकते हैं इसमें, तो टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं हम आपके लिए। तो टारगेट हमारा जो निकल के आता है दोस्तों, मैं देखा चार्ट पे स्टडी किया तो दो इसके मेजर रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। एक पहला रेजिस्टेंस आता है 213 का और उसके बाद दूसरा आता है 252 का, 252 रुपीज का, यानी 213 रुपीज पहला रेजिस्टेंस, दूसरा 252 रुपीज का रेजिस्टेंस है। तो ये अगर हमारे निर्धारित टारगेट अगर हो तो देखते हैं रिस्क क्या बनता है और रिवार्ड क्या बनता है। बेस्ट बाइंग लेवल का हम जो है कंसिडर करते हैं, बाकी का आप अपने लेवल से इसको कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, अगर करंट प्राइस से ही अगर हम कंसीडर कर लें 152 रुपीज से, तो हमारा रिस्क बनेगा यहाँ 16% का। ठीक है, अगर करंट प्राइस पे अगर आपने 100% लगा दिया तब उस केस में, लेकिन ऐसा तो मैंने बोला नहीं, मैंने फोर स्टे में बाई करने के लिए बोला। तो हम करंट प्राइस पे केवल 25% पैसे डाल रहे हैं, ठीक है, और बाकी के कई टुकड़ों में डाल रहे हैं। तो अगर हम 137 को हम जो है हम अपना बेस्ट बाइंग लेवल मानते हैं 137 रुपीज को, तो यहां से हमारा रिस्क कितना हुआ, यहां से हमारा डाउन साइड रिस्क हुआ 6% का, यहां से मेरा डाउन साइड रिस्क कितना हुआ 6% का, और इस बेस्ट लेवल से हमारा पहला टारगेट कितने रुपए का हुआ, कितने परसेंट में जान लीजिए, रुपए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 213 रुपए का पहला टारगेट यानी 56% का, 56% का। और अगर मैं यहां से दूसरा टारगेट रखूं तो वो आएगा जो 252 रुपये के स्तर पे, वो 84% का आएगा। तो बेस्ट बाइंग लेवल से रिस्क कितना है 6% का और टारगेट कितना निकल के आता है 84% का और 56% का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका चार्ट रहा, ये आपका रिस्क रहा, ये आपका रिवार्ड रहा। तो क्या करना चाहिए, जब भी आपको 213 के स्तर मिले आप यहाँ 50% प्रॉफिट बुक करें, यानी एक्स अमाउंट अगर आपने इन्वेस्टेड किया तो x/2 यहाँ प्रॉफिट बुक करें, और x/2 x/2 यानी x/4 कीजिए, जो भी बचा उसका आधा, रिमेनिंग का आधा कहिए यार सीधा, आप 252 पे बुक कर लीजिए। उसके बाद जो रिमेनिंग बचे उसके बाद आपका चार्ट अनचार्टेड टेरिटरी में चलेगा, जब तक कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं देता तब तक मत निकलिए, होल्ड कीजिए। ये रही हमारी स्ट्रेटेजी, इस पे व्यू रहा। ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए, हम कोई भी खरीदने बेचने का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दबाकर।